Hello students, and today in our IT section we will cover part A, unit 4, entrepreneurial skills in our class 10th. Okay, हम लोग part A की 3 units cover already कर चुके हैं, जो कि थी हमारी एक first unit communication, फिर हमारा stress management था, third हमारा ICT था, और fourth है हमारा entrepreneurial. ठीक, तो हमें ये देखना है कि भाई entrepreneur क्या होता है. आप सबको पता है कि कोई बिजनेस, जो बिजनेसमैन होता है वो एक तरह से एंटरप्रेन्योर होता है, लेकिन इन दोनों में भी डिफरेंस है. एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि अगर वो अपने बिजनेस में कुछ इनोवेटिव करे तो हम उसे एंटरप्रेन्योर कहेंगे. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, मतलब बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर आप समझना, कि दो भाई थे, एक राम और एक श्याम. दोनों ने क्या करा, एक नर्सरी खोली. नर्सरी वो होती है ना जहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं, उन्होंने वो खोली और अपने पेड़ पौधे लगाकर वो बैठ गए बेचने के लिए, उनको, राम भी और श्याम भी. बट राम जो था उस काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था. उसे लगा कि भाई हम लगा रहे हैं, लोग आ रहे हैं और हम उसे बेच रहे हैं. उसके दिमाग में कुछ एक आइडिया आया कि क्यों नहीं मैं ऐसा करूँ कि मैं पौधों के साथ में प्लांटर्स भी सेल आउट करना शुरू कर दूँ, या मैं बीज भी सेल आउट करने लग जाऊं, या फिर दूसरी चीज़ मैं लोगों के लिए कुछ नया फ्यूजन उस प्लांट्स में लाऊं तो लोग ज़्यादा क्रेज़ रखेंगे उस चीज़ के लिए, या फिर मैं उनके घर पे जाके मतलब होम डिलीवरी कराऊं, उनकी कॉलोनी मतलब अलग अलग कॉलोनीज़ में जाके मैं सेल आउट कराऊं. तो उसने जब ये सब चीज़ें फॉलो करी तो उसका जो बिज़नेस था वो ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा, है ना. इवन इनफैक्ट उसने ऑनलाइन भी सोचा कि चलो मैं बेचता हूँ. तो उससे क्या हुआ कि उसने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया. ठीक, तो राम का तो बिजनेस बहुत एक्सपैंड हो गया, उसे अच्छी इनकम होने लगी. लेकिन जो श्याम था वो वहीं की वहीं अपनी वो छोटी सी नर्सरी लेकर बैठा रहा. तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जो श्याम था उसे कोई अलग आइडिया नहीं आया और वो एक सीधे सच्चे रास्ते पर चल रहा था, वही पौधे रखकर उसे बेचना. तो क्या हुआ, वो एक बिजनेसमैन हो गया. ठीक है भाई, वो बिजनेस कर रहा है, जो ग्राहक आ जाएगा बेच देगा, बात खत्म. लेकिन राम उससे खाली सेटिस्फाइड नहीं था, उसने कुछ नए आइडियाज़, न्यू चीज़ें इनोवेट करी और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया. तो ये राम क्या है, वो एक एंटरप्रेन्योर हो गया. क्लियर, इसी चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है. जैसे अभी आपको ये समझ में आ गया, लेकिन एंटरप्रेन्योर और सोसाइटी दोनों चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में, इस पूरी यूनिट में इनफैक्ट पढ़ने वाले हैं. तो जैसे हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर हैज़ सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सच एज. इम्पैक्ट क्या होता है सोसाइटी पे, इकोनॉमिक ग्रोथ. अब जाहिर सी बात है, जब राम ने अलग अलग चीज़ें रखनी लगी तो उसका क्या हुआ, उसका जो एक इनकम थी वो बढ़ने लगी ना, तो वो क्या हुई, उसकी इकोनॉमिक मतलब उसकी इनकम बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी. फॉस्टर्स क्रिएटिविटी, आपको कुछ नया क्रिएटिव करा उसने. स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, मैंने आपको बताया इनोवेट करा. क्रिएट जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट, अब अगर वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, वो लोगों के घर तक भी भेजने लगा पौधे, तो खुद तो नहीं जाएगा, वो अपने एम्प्लॉयज भी रखेगा कुछ, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हो गई. सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, कि भाई अब सपोज करो वो अपनी जो सोसाइटी है उसको हेल्प कर रहा है एक तरह से, उनके डोर टू डोर वो सामान पहुँचाकर. एनकरेज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी को कहीं ना कहीं वेलफेयर हो रहा है उस चीज़ से. सोसाइटी प्लेज अ रोल इन बूस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप बाय, अब सोसाइटी कैसे एक अच्छा रोल प्ले करती है, क्रिएट नीड एंड डिमांड्स. अगर मैं अपने पड़ोसी के यहाँ देखूंगी इतने अच्छे सुंदर सुंदर प्लांटर्स और प्लांट, तो मेरा भी मन करेगा कि मैं भी खरीदूं जाकर. तो वो क्या है, एक तरह से नीड और डिमांड क्रिएट हो रही है ना सोसाइटी में. प्रोवाइड रॉ मटेरियल, और सोसाइटी से ही क्या मिला, रॉ मटेरियल मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी, एक एजुकेशन भी नई आएगी, पॉलिसीज भी बनेंगी, आपका नेटवर्किंग हो गया. जैसे मैंने क्या कहा कि मैंने पड़ोसी के यहाँ देखा, मुझे अच्छा लगा तो मैं उससे पूछूंगी कि भाई आपने ये कहाँ से लिया, तो वो मुझे बता देंगे कि आप वहाँ पे जाओ, उससे ये चीज़ मुझे मिल जाएगी. तो ये क्या है, फैसिलिटेटेड नेटवर्किंग. इस तरह से नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा उसका, और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे भी डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी. क्लियर, तो ये क्या था हमारा, ये है हमारा सोसाइटी जो रोल प्ले करती है. ठीक, अब हम आते हैं कि जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या क्या मतलब क्या सोसाइटी में क्या चीज़ें इंक्लूड करता है. जैसे पहला है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. सोशल का मतलब क्या है कि भाई हमारा जो सराउंडिंग्स हैं, हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, उन जैसे उस चीज़ को भी हेल्प करता है, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करने में, हेल्थ और सैनिटेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है.
ठीक है। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर भी मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है उनके प्रोडक्शन के इनपुट को लेकर या एग्रीकल्चर जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर। वेमेन एंटरप्रेन्योरशिप, अब देखो हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है कि एंटरप्रेन्योर बनो, अपना काम करो, है ना, स्किल इंडिया और ये सब कुछ इसलिए तो आ रहा है। तो अगर कोई वेमेन भी कोई बिजनेस करना चाहे तो गवर्नमेंट उसे भी हेल्प करती है, मतलब वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट 51% के करीब उसको कैपिटल में देती है, ठीक। और स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, स्मॉल स्केल मतलब कि आप कहीं पर भी जाओ अपने घर में कुछ ना कुछ छोटा, जैसे पापड़ बनाओ या अचार बनाने की फैक्ट्रीज लगाओ या ये सारी चीज़ें क्या है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। मतलब हालांकि अचार पापड़ तक ही सीमित नहीं है, ये तो काफ़ी हम 5 लाख तक का इसमें अपना एक्सपेरिमेंट नवे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो एक तरह से बैकबोन होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ की। ये सब आप इकोनॉमिक्स में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, अभी भी पढ़ते होंगे और 11th क्लास में आओगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह से डीपली पढ़ोगे। अब एक जो हमने विमेन एंटरप्रेन्योर या अभी तक हमने पढ़ा, एक इसकी एक्टिविटी ले लेते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी मैं सुनाती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको राम और श्याम की स्टोरी सुनाई, वैसे ही एक शहनाज हुसैन एक लेडी है जो कि उनकी शादी टीनेजर, मतलब वो जब छोटी थी, मतलब 16 ईयर्स की थी, मतलब उससे भी पहले उनकी शादी हो गई और 16 ईयर की एज में तो वो मतलब उन्होंने एक चाइल्ड को भी बर्थ दे दिया था, ठीक है। बट वो जो विमेन थी वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी और बहुत ज़्यादा करियर के लिए फोकस्ड थी और उनको मतलब कुछ ना कुछ नया करने का वो रहता था। तो आज की डेट में जो शहनाज है, शहनाज अपने आप में एक ब्रांड नेम है, जैसे क्वीन ऑफ हर्बल ब्यूटी केयर उसे बोला जाता है। मतलब जितने भी ये देखो पद्मश्री से भी नवाजा गया है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2006 में। अब हमारी जो ये शहनाज हुसैन है ये कौन है, ये जो ब्यूटी पार्लर्स चलते हैं या कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं तो ये सब शहनाज हुसैन के होते हैं। मतलब आपको भी नहीं पता हो तो आप अपनी मम्मा से डिस्कस करोगे तो वो आपको बता पाएंगी कि शहनाज हुसैन कितना बड़ा ब्रांड नेम है ब्यूटिशियन के तौर पर, है ना। इनके ब्यूटी पार्लर्स हैं अलग अलग जगह, प्रोडक्ट्स हैं सैकड़ों। तो ये क्या है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इन्होंने काम करा और एक अच्छी बिजनेस मतलब विमेन एंटरप्रेन्योर वो बन गई, ठीक है। उनके जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, आप इस स्टोरी को पढ़ लेना। अब नेक्स्ट हम आते हैं, क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर में। भाई अगर हम एक एंटरप्रेन्योर हैं तो हमारे अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग, बंदा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना चाहिए किसी भी काम के लिए ही। आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फिर कैसे, लेजी रहोगे, सोते रहोगे, थोड़ा ना कुछ काम होगा। आपको अपने काम के प्रति एकदम मतलब एकदम कंसर्न रहना होगा, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, मतलब आगे के लिए सोचे और ये नहीं कि बस मतलब डर जाए किसी भी एडवर्स इफेक्ट को देखकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट और वो अपने खुद अपने ऊपर काम कर सके अपने बलबूते, मतलब है ना, इस तरह से होना चाहिए उसको। एनर्जेटिक होना चाहिए जाहिर सी बात है, और सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है। फंक्शंस क्या क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के, पहले एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक तरह से एक सारी चीज़ें मतलब खड़ी करना, एम्प्लॉयज़ को हायर करना, रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, फिनेंस इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें किसकी होती है, एंटरप्रेन्योरल फंक्शन के अंदर आती है। रिस्क टेकिंग, अब आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में रिस्क तो हो गई ना, नो बिजनेस नो रिस्क या नो रिस्क नो बिजनेस, तो आपका क्या है, आपको वो भी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। इनोवेशन, आपको नए आइडियाज़ आने चाहिए। फिर एक तो पहला फंक्शन एंटरप्रेन्योरल हो गया, एक होता है प्रमोशनल फंक्शन, आइडिया डिस्कवरी, आपको कुछ नए आइडियाज़ भी आने चाहिए, है ना। जैसे वो राम को आए अपने एक नर्सरी के लिए भी, उसको कितने अच्छे आइडियाज़ आए, वो प्रमोशन वो कहलाता है मतलब प्रमोशनल फंक्शन। भाई आइडिया आएंगे जब भी तो आप अपने काम को बढ़ाने का सोचोगे। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, और अपने काम के लिए पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करो कि मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा। असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स, आपको पास जो जो चीज़ें हैं आप उसे एक असेंबल करके कोई चीज़ नया चीज़ क्रिएट करो, वो भी हमारे किसके अंदर आता है, इसी के अंदर आता है। फिनेंसिंग, पैसा भी मैनेज करना, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है ना कि आप कैसा लोन ले रहे हो, लोन ले रहे हो चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे, ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं, हमारी फाइनेंस के अंदर आती हैं। क्लियर। अब हमारे आते हैं मैनेजरियल फंक्शन, जिसके अंदर अगर हम कोई बिजनेस डेवलप कर रहे हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्लानिंग, अगर आप सोचो आज के मुझे कुछ काम करना है तो मैं सबसे पहले प्लान करूँगी ना, उसके बाद मैं क्या करूँगी, प्लान तो मैंने कर लिया, अच्छा मैं ये काम करूँगी और इतना मेरा बड़ा काम होना चाहिए, ये मेरा टारगेट होना चाहिए, है ना, वो तो मैंने सेट कर लिया।
फिर ऑर्गेनाइज, उसे मैं ऑर्गेनाइज करूंगी कि भाई मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए, क्या क्या रखूँ, किसके अंडर में कौन क्या काम करेगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, वो ऑर्गेनाइजिंग का काम है। डायरेक्टिंग, उनको इंस्ट्रक्शंस देना अपने एम्प्लॉयज को, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट करना, जैसे मूवी डायरेक्ट करते हैं। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि अब आपने सब कुछ सेट तो कर लिया, लेकिन आप रिक्रूट भी तो करोगे ना लोगों को, अपना जॉब भी तो दोगे, उसे कहते हैं स्टाफिंग। फिर आता है लीडरशिप, कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, जब भी तो आप अपने नीचे तो 10 लोग हैं उनसे काम ले पाओगे। कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, बातचीत करने का ढंग अच्छा होना चाहिए। अगर आपको ढंग से बात करनी ही नहीं आएगी तो क्या फ़ायदा है, फिर तो आप नहीं कर पाओगे। और फिर आपने कम्युनिकेशन का तो पूरा यूनिट पढ़ा है, आपको पता ही है कि आपकी राइटिंग स्किल्स, ड्राफ्टिंग और वर्बल सारी चीज़ें कितनी अच्छी होनी चाहिए। सुपरविजन, अब आपने कोई बिजनेस करा है तो आप उसका सुपरविजन अच्छी तरह से कर पाओ, मतलब उस पर नज़र भी रख पाओ, ऐसे नहीं कि आपके नाक के नीचे ही पूरा लॉस हो रहा है आपके बिजनेस को, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन, आप अपने एम्प्लॉयज़ को काम दिया है, उन्हें टारगेट दिया है, उन्हें मोटिवेट करते रहोगे टाइम टू टाइम, तो उनका इंटरेस्ट बना रहेगा काम में, है ना, वरना क्या होगा, वो बोर हो जाएंगे, डल हो जाएंगे और आपका काम उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हर डिपार्टमेंट में। अब सपोज करो कि कोई एक ऐसा जो रॉ मटेरियल है मेरा ख़त्म होने वाला है, और जो रॉ मटेरियल आता है उसे पता ही नहीं है ये चीज़ तो क्या है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन की कमी है ना कहीं ना कहीं। तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई अगर मेरी मैंने कार बेच दी है तो मेरे पास उतनी कार होनी चाहिए अपने शोरूम में, ऐसा ना हो कि मार्केटिंग वाला तो ऑर्डर लिया है आपके पास माल ही नहीं है, तो वो कोऑर्डिनेशन की कमी कहलाएगा। कंट्रोलिंग, और ये जो सारे ऑपरेशंस हैं इनको अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएँ आप, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग, ठीक है। नेगोशिएशन भी कहते हैं, कुछ आप नेगोशिएट कर पाओ सैलरीज वगैरह में, वो चीज़ हो गई। कमर्शियल जो है फंक्शन, क्या क्या है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन हो गया, मतलब आप क्या बना रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो हो गया। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, आप कैसे फिनेंस मेंटेन कर रहे हो, मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग तो आपको अच्छी करनी पड़ेगी तभी तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। एचआर मैनेजमेंट, एचआर और स्टाफिंग जो अभी हमने पढ़ा ना वो दोनों लगभग सेम है। स्टाफिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि लोगों को जॉब देना अपने यहाँ पे, है ना, तो वो स्टाफिंग कहलाता है और वो ही एचआर मैनेजमेंट भी कहलाता है। अगर आप कॉमर्स लोगे 10th में तो आप बिजनेस पढ़ाएंगी मैं आपको, ये सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक। तो ये क्या है हमारा, हमने इतना चैप्टर पढ़ लिया, अब इसके आगे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आएगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं, थैंक यू सो मच।